रिकॉर्ड कभी भी कोई चेक कर सकता है, ये तुरंत पता चल जाएगा कि पहले ये लोग किस तरीके से मैनेज करते थे या लोगों को डरा धमका के, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स को डरा धमका के लोग पार्टिसिपेट ना कर सकें, यही लोग पार्टिसिपेट करते रहे, या अधिकारियों को डरा धमका के ये लोग काम लेते रहे हैं। अब ऑनलाइन ई टेंडरिंग की वजह से इन लोगों के ऊपर अंकुश लग गया है। एक तो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जो शर्तें हैं डिपार्टमेंट की, वर्क करने के लिए इलेक्ट्रल सेफ्टी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर सप्लाई का केस है उसमें टेस्ट सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है, टाइप टेस्ट अगर होगा मटेरियल का तभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लैंप कनेक्टर फिटिंग्स के लिए। इनमें से इन लोगों के पास कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना ये सप्लाई का कार्य आज की डेट में कर पा रहे हैं, ना वर्क का कर पा रहे हैं, और उसकी खींच मेरे ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है, मेरे या मेरे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर है। जो वो एक ऑडियो की मैंने अभी जिक्र किया है उसमें मेरे एक दो कलीग्स जो चाहे सीनियर भी रहे हों चाहे मेरे जूनियर हैं मेरे अंडर में हैं, उनके लिए इन्होंने किस आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है कभी भी उस ऑडियो को सुन के देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। किस तरीके का खतरा है इन लोगों से, किस तरीके का? ये लोकल है कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो बाहर का हूँ यहाँ पर और अकेला रहता हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता है, पर लखनऊ में मेरा परिवार रहता है, मैं अकेले यहाँ पर रहता हूँ बरेली में, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख लूँगा ये कर लूँगा वो कर, इस तरीके की भाषा प्रयोग करना तो एक आम बात होती है, कब क्या मेरे साथ हो जाए मुझे नहीं पता है। हाँ, ये प्रकरण 21 तारीख का है, वहाँ एक विद्युत विभाग में काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, वो मंडल स्तर के अधिकारी हैं, उनका ये कहना था कि उन्हीं के विद्युत विभाग के दो ठेकेदार वो लगातार उनको परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, उनके खिलाफ लगातार उच्च अधिकारियों में एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे, और इस परेशानी में आकर उन्होंने पुलिस में एक FIR तहरीर दी, जिसके तहत पुलिस ने एक FIR दर्ज की और कार्रवाई करनी शुरू कर दी।